ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम साइंस के अंदर कंकाल ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तो कंकाल ऊतक आता किसमें है? संयोजी ऊतक में आता है। ठीक है, संयोजी ऊतक कितने प्रकार का था? देखो, संयोजी ऊतक तीन प्रकार का था। कितने प्रकार का था? तीन प्रकार का। संयोजी ऊतक कितने प्रकार का था? तीन प्रकार का। तो आप मुझे बताएं, सबसे पहला कौन सा ऊतक था? सबसे पहला था संवहन ऊतक, यही था ना, संवहन ऊतक। दूसरा कौन सा था? वास्तविक ऊतक, वास्तविक ऊतक। और तीसरा कौन सा ऊतक है? कंकाल ऊतक, कंकाल ऊतक। पहला, दूसरा और ये तीसरा, मतलब कि तो ये ऊतक है ना आपका, ये वाला कंकाल ऊतक। तो हमारा आज ये चलेगा, कंकाल ऊतक। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं कंकाल ऊतक। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं कंकाल ऊतक। तीसरा है कंकाल ऊतक। देखो, कंकाल ऊतक क्या होता है? सबसे पहले अगर हम कंकाल ऊतक की बात करें तो कंकाल ऊतक क्या होता है? एक मानव शरीर को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, मतलब कि पेशियों को, मतलब कि अस्थियों को सॉरी, और उपास्थियों को जोड़ने का काम करता है। तो यांत्रिक सहायता होती है, अगर हम किसी को जोड़ते हैं तो यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, यह शरीर के विभिन्न भागों को जोड़कर एक कंकाल तंत्र का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सबसे पहले तो यह यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। सबसे पहले क्या करता है? यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, यांत्रिक सहायता। सबसे पहला काम क्या है इसका? यांत्रिक सहायता प्रदान करना। फिर पहला, दूसरा काम क्या है इसका? दूसरा काम है इसका कंकाल तंत्र का निर्माण करना। कहने का मतलब, किसका निर्माण करना? कंकाल तंत्र कब बनेगा? जब हम किसको जोड़ेंगे? अस्थि और उपास्थियों को। तो अस्थि और उपास्थि जोड़ने से दो काम होते हैं, यांत्रिक सहायता से कंकाल तंत्र का निर्माण। ठीक है, तो दो प्रकार का होता है ये ऊतक। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहले है अस्थि, अस्थि, और दूसरा क्या है बताओ? उपास्थि। अस्थि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बोन। क्या बोलते हैं? बोन बोलते हैं। और उपास्थि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ? कार्टी, बताओ? कार्टिलेज। ठीक है, कार्टेज नहीं, कार्टेज प्रिंटर में होता है। तो पहला अस्थि, दूसरा क्या है? उपास्थि। तो सबसे पहले हम अस्थि के बारे में पढ़ते हैं। अस्थि क्या होती है? देखो, अस्थि यहां लिखना है आपको, बोन को आपको यहां लिखना है। ठीक है, और उपास्थि को कहां लिखना है? उपास्थि को आपको इधर लिखना है। तो दूसरा प्रकार आपको इस ऊतक का, उपास्थि को इधर लिखना है और अस्थि को कहां लिखना है? इधर लिखना है। ठीक है, दो प्रकार हो गए। इन दोनों प्रकारों को आप डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अस्थि की। अस्थि क्या काम करती है? तो देखो, अस्थि यह अंतः कंकाल का निर्माण कर शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। ये जो ऊतक होता है ना, एक तो मजबूत होता है, ठीक है, और क्या होता है? कठोर होता है, कठोर। ध्यान से सुनना, ये जो ऊतक होता है ना, ये जो अस्थि होती है, क्या होती है? मजबूत और कठोर होती है। ये क्या करती है? अंतः कंकाल का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? अंतः कंकाल का निर्माण करती है। मेरी बात को ध्यान से समझें कि अंतः कंकाल मतलब क्या होता है? अंदर की जितनी भी अस्थियां होती हैं उनको, ठीक है, ये अंगों एवं मांसपेशियों को क्या करती है? अब जब ये अंतः कंकाल का निर्माण करती है तो शरीर को क्या करती है? कहने का मतलब, शरीर के अंदर क्या करती है? बनावट का काम करती है।
इसका काम करती है बनावट, ठीक है, एक ढांचा तैयार करता है, अंदर का ढांचा मतलब, जो शरीर के अंगों एवं मांसपेशियों को सहारा प्रदान करती है। सबसे पहले किसको काम करती है, अंगों को और प्लस मांसपेशियों को। आप मेरी बात ध्यान सुने, अगर अस्थियां नहीं होती तो हमारा शरीर कभी भी किसी भी साइड में मुड़ सकता था, ठीक है। आपकी गर्दन आगे दिखाई दे रही है आपको, आपकी आंखें आगे हो सकता है पीछे टपक जाती है। मतलब क्या है दोनों का, मतलब सिर्फ यह है कि ये अंगों को और किसको, मांसपेशियों को क्या करती है, सहारा प्रदान करती है, ठीक है। आपको इस बात को याद रखना है, अस्थि कोशिकाएं कठोर मैट्रिक्स में धसी होती हैं। ये कोशिकाएं किसमें, कठोर मैट्रिक्स में, कठोर मैट्रिक्स में क्या होती हैं बताओ, धसी होती हैं। क्या होती हैं, धसी होती हैं, ठीक है। ये धस जाती हैं तो इसका मतलब पहला काम मजबूत और कठोर करने का, ये अस्थि मजबूत और कठोर होती है। अंतः कंकाल के अंदर बनावट का काम करती है, अंगों और मांसपेशियों को जोड़ने का काम करती है, कठोर मैट्रिक्स में धसी होती हैं, जो कैल्शियम तथा फास्फोरस से निर्मित होती हैं। इनकी कोशिकाओं को ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाता है। इनके अंदर जो सेल होती है ना, किसके अंदर जो सेल होती है, मतलब जो अस्थि ऊतक के अंदर जो सेल होती है उसको ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है कि ऑस्टियोब्लास्ट किसको कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट इसको ही कहते हैं। मतलब कि जो अस्थि के अंदर कोई सेल अगर पाई जाती है तो उस सेल को क्या कहते हैं बताओ, ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। एक बात और आपको याद रखनी है कि जो अस्थि बनी होती है ना, वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम प्लस फास्फोरस की। किसकी बनी होती है, कैल्शियम प्लस फास्फोरस की। आपको याद रखना है कैप के नाम से, कैप का मतलब क्या होता है, ठीक है, कैल्शियम प्लस फास्फोरस, ठीक है। मैंने एक शब्द बना दिया, जो अस्थियां बनी होती हैं किसकी बनी होती है, कैल्शियम प्लस फास्फोरस की बनी होती हैं। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं उपास्थि के बारे में, किसके बारे में, उपास्थि के बारे में। उपास्थि पतले तथा महीन कोलेजन तंतुओं से मिलकर बनी होती है। इसका मैट्रिक्स एक प्रोटीन का बना होता है जिसे कॉड्रिन कहते हैं। किस क्या कहते हैं, ये जो बनी होती है ना उपास्थि, किसकी बनी होती है बताओ, प्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है, जिसे कॉड्रिन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे कॉड्रिन कहते हैं। आपको ये बात याद रखनी है कि ये महीन लंबे तंतुओं से बनी होती है। किससे बनी होती है, उपास्थि महीन तंतुओं से, कोलेजन तंतु जिसको बोलते हैं। तो दूसरा क्या है, कोलेजन तंतु, कोलेजन तंतु, और कोलेजन तंतुओं के अंदर ही किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है, इसका मैट्रिक्स एक प्रकार के प्रोटीन से, मैट्रिक्स किसका बना होता है, इसका मैट्रिक्स प्रोटीन से बना होता है, याद रखना है आपको। ये उपास्थि कोलेजन तंतुओं से बनी होती है, ठीक है, लेकिन इसका मैट्रिक्स किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, जिसको हम कह सकते हैं कॉड्रिन कहते हैं। उपास्थि की कोशिकाओं के मध्य पर्याप्त स्थान होता है जिसके चारों ओर द्रव से भरा हुआ एक आवरण होता है जिसे लेकुना कहा जाता है। उपास्थि की कोशिकाओं के बीच, उपास्थि की सेल के बीच क्या भरा होता है, द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है, द्रव भरा होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे लेकुना कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे लेकुना कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे लेकुना। इसकी ठोस आधात्री, इसकी मैट्रिक्स प्रोटीन और शर्करा से निर्मित होती है। सबसे पहले इसकी जो मैट्रिक्स होती है, मैंने अभी बताया आपको, प्रोटीन से तो बनी होती है, अगर प्रोटीन से बनी होती है उसको तो क्या कहते हैं, कॉड्रिन कहते हैं। मैंने बताया ना, शर्करा से भी बनी होती है, किससे बनी होती है, प्रोटीन से, शर्करा से, और किससे बताओ, दोनों से बनी होती है मैट्रिक्स। और ये अस्थियों के जोड़ों को समतल बनाती है। उपास्थि नाक, कान और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। ये अस्थियों के जोड़ों को क्या बनाती है, अस्थियों के जोड़ों को, अस्थियों के जोड़ों को क्या बनाती है, समतल करती है। अस्थियों के जोड़ों को क्या करती है, समतल।
और उपास्थि कहाँ पाई जाती है? नाक में और कान में और श्वास नली में भी पाई जाती है। तो ये तीन बातें आपको मैंने बताई, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अस्थि और उपास्थि, ये दो चीजों की बात आ गई इसमें, अस्थि और उपास्थि के अंदर दो चीजों की। उसके बाद उपास्थि के अंदर क्या होता है, ध्यान से सुने आप, ये उपास्थि अर्ध पारदर्शी होती है, कॉड्रिन नामक प्रोटीन से बनी होती है। कॉड्रिन नामक प्रोटीन से बनी होती है, ध्यान रखना है आपको। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उपास्थि किसकी बनी होती है? कॉड्रिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। जबकि अस्थि किसकी बनी होती है? ओसिन नामक प्रोटीन की। तो मैं यहां लिख रहा हूं, ये ओसिन नामक प्रोटीन की बनी होती है, ओसिन नामक प्रोटीन की। समझ में आ गया? ओसिन नामक प्रोटीन से बनी होती है, इसके अंदर प्रोटीन नहीं पाया जाता लेकिन ओसिन नामक प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, ओसिन नामक प्रोटीन से बनी होती है, याद रखना है आपको। उसके बाद उपास्थि कैल्सीफाइड उपास्थि कैल्शियम लवणों के संचय के कारण कठोर हो जाती है, जबकि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के कारण। तो आप याद रख सकते हैं सातों पॉइंट इसके अंदर। ठीक है, ये कैल्शियम के कारण क्या होती है? कठोर पाई जाती है उपास्थि, याद रखना है आपको। ठीक है, दांतों में भी कैल्शियम पाया जाता है, याद रखना है आपको। किसमें पाया जाता है? दांतों में। और जो कैल्शियम पाया जाता है दांतों में, दांतों की जो अंदर की परत होती है वो किसकी बनी होती है? बताओ, ये क्वेश्चन आपके लिए। इनेमल की बनी होती है। इनेमल को क्या कहते हैं बताओ? कैल्शियम फास्फेट बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? कैल्शियम फास्फेट अंदर होता है उसके। उसके बाद बात आती है उपास्थि के चारों ओर पेरिकोंड्रियम का तंतुमय आवरण होता है, अस्थि के चारों ओर पेरिओस्टियम का तंतुमय आवरण होता है। ठीक है, याद रखना है आपको ये। उपास्थि में मज्जा नहीं पाई जाती, खोखली अस्थियों में मज्जा पाई जाती है। उपास्थि में मज्जा नहीं पाई जाती, तो आठों पॉइंट क्या लिखना है आपको? उपास्थियों में इसमें क्या नहीं पाई जाती? मज्जा नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? मैं आपको कारण बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं आपको रीजन समेत बता रहा हूं। आपने सुना होगा अस्थि मज्जा, क्या सुना होगा? अस्थि मज्जा। तो मतलब इसका मतलब क्या है? अस्थि में मज्जा पाई जाती है। आपने कभी आज तक सुना है उपास्थि मज्जा? नहीं सुना ना, तो आप सुनना ध्यान से। अस्थि मज्जा का मतलब क्या होता है कि अस्थियों में मज्जा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अस्थियों में मज्जा पाई जाती है, अस्थियों में मज्जा पाई जाती है। इसमें उपास्थि में मज्जा नहीं पाई जाती, क्योंकि उपास्थि मज्जा आपने आज तक पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अस्थि मज्जा क्या होता है। ठीक है, तो आज तक आपने क्या पढ़ा? आज हमने कंकाल ऊतक के बारे में पढ़ा। ठीक है, कि कंकाल ऊतक क्या होता है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद अपन पढ़ते हैं पेशी ऊतक। पेशी ऊतक क्या होता है बताओ? पेशी ऊतक हमने ये कंप्लीट कर लिया है आज, ये संयोजी ऊतक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ऊतक कितने प्रकार के थे? ऊतक दो प्रकार के थे। कहने का मतलब कौन कौन सा? पादप ऊतक और जंतु ऊतक। पादप ऊतक कितने प्रकार का वो हमने पढ़ लिया है, जंतु ऊतक चार प्रकार का था मेनली। कितने प्रकार का? सबसे पहला था कौन सा? उपकला ऊतक, जिसको हम एपिथीलियम, ठीक है, ऊतक भी कहते हैं। दूसरा था संयोजी ऊतक, और ये कंप्लीट करने के बाद आज हम तीसरा पढ़ेंगे पेशी ऊतक। ठीक है, तो इसको नोट कर लो एक बार आप। देखो अब हम पढ़ते हैं पेशी ऊतक। पेशी ऊतक हम पढ़ चुके हैं, सबसे पहला उपकला ऊतक, दूसरा पढ़ चुके हैं संयोजी ऊतक, और तीसरा आता है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ? पेशी ऊतक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मस्कुलर टिश्यू। क्या कहा जाता है? मस्कुलर टिश्यू। देखो मस्कुलर टिश्यू की अगर हम बात करें
ठीक है। मस्कुलर अगर टिश्यू की हम बात करें तो मस्कुलर टिश्यू को शब्द बनाए मसल्स से, और मसल्स का मतलब क्या होती है बताओ? मांसपेशी होती है। क्या होती है? मसल्स का मतलब होता है मांसपेशी। तो पेशी ऊतक क्या होता है? लंबा और पतला कोशिकाओं से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है ये ऊतक? किससे? लंबी प्लस सक्रिय कोशिकाएं, लंबी प्लस सक्रिय कोशिकाओं से निर्मित होता है, सक्रिय कोशिकाओं से निर्मित होता है। ठीक है, लंबी प्लस सक्रिय कोशिकाओं से निर्मित होता है, जिन्हें पेशी रेशा या तंतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? इनको कहा जाता है पेशी रेशा। क्या कहा जाता है? पेशी रेशा। और रेशे किसके बने होते हैं? तंतुओं के बने होते हैं, इसलिए इनको हम रेशे तंतु भी कहते हैं। इन ऊतकों में क्या होता है? देखो, इन ऊतकों में क्या होता है? संकुचन होता है। इन ऊतक के अंदर क्या होता है? संकुचन होता है। संकुचन का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। सिकुड़ते हैं, एक विशिष्ट गुण है इसके अंदर। ठीक है, यह है एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। मतलब कि जो ये संकुचन है ना, ये एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? संकुचन प्रोटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकुचन प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए आप इसको क्या कह सकते हैं? संकुचन प्रोटीन भी कह सकते हैं। उसके बाद ये कंकाल के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होता है। शरीर का लगभग 40-50% भाग पेशी ऊतक से बना होता है। तो शरीर का कितना परसेंट भाग? शरीर का कितना भाग? 40-50% भाग किससे बना होता है? पेशी ऊतक से बना होता है। पेशी ऊतक से बना होता होता है। अब सोचो आप कि शरीर का लगभग 40-50% भाग तो किससे बना होता है? किससे बना होता है? पेशी ऊतक से बना होता है। ठीक है, पेशी ऊतक के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले द्रव और केंद्रक को क्या कहते हैं? अब पेशी ऊतक के जो अंदर का भाग है ना, पेशी ऊतक का अंदर के भाग में, पेशी अगर आंतरिक संरचना की अगर हम बात करें, आंतरिक संरचना में दो चीज पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पहली चीज तो पाई जाती है द्रव। पहली चीज क्या पाई जाती है? द्रव पाई जाती है। और दूसरी चीज क्या पाई जाती है? केंद्रक। क्या क्या पाया जाता है? केंद्रक। तो आपने सुना होगा जो कोशिका के अंदर अगर जो द्रव पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। ठीक है, और कोशिका के मध्य में जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कोशिका का केंद्रक या कोशिका केंद्रक। समझ में आ गई मेरी बात? तो पेशी ऊतक की जो आंतरिक संरचना है इसके अंदर दो भाग पाए जाते हैं, पहला द्रव और दूसरा केंद्रक। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, पूरा का पूरा जो टिश्यू है ना वो किस पर डिपेंड है? पूरा का पूरा जो टिश्यू है, ऊतक जो है, वो सिर्फ और सिर्फ कोशिकाओं पर डिपेंड है। तो इसमें जितनी भी हम कोशिकाएं पढ़ेंगे वो सब टिश्यू में काम आएंगी। ठीक है, और टिश्यू जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर आप देख भी रहे हैं कि सारी कोशिकाएं इसके अंदर काम आ रही हैं, जो भी हमने कोशिका के अंदर पढ़ा था। तो जो इसके अंदर द्रव होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म। और देखो जो कोशिका का जो केंद्र होता है ना, कोशिका द्रव्य, वो किसका बना होता है बताओ? प्लाज्मा का बना होता है ना, जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, बाहर तो होती है, मतलब कोशिका से रिलेटेड है। और केंद्रक को क्या बोलते हैं बताओ? केंद्रक को बोलेंगे सार्कोमेयर। क्या बोलेंगे? सार्कोमेयर। अब सार्कोमेयर क्यों बोल रहे हैं? आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था, ध्यान हो तो, जब डीएनए अपन पढ़ रहे थे और गुणसूत्र पढ़ रहे थे तो उसके पीछे मेयर आया था, ध्यान है आपको? सेंट्रोमेयर। तो कहने का मतलब जो भी आप इसके अंदर पढ़ेंगे, ये पेशी जो आंतरिक संरचना, इसमें दो भाग आप पढ़ते हैं, कौन कौन से? द्रव और
केंद्रक, ठीक है। उसके बाद बात आती है पेशी ऊतक का कार्य क्या होता है, पेशी ऊतक का कार्य, पेशी ऊतक के कार्य, देखो पेशी ऊतक के कार्य क्या क्या हैं। पेशी ऊतक संकुचन के गुण के कारण अंग को गति प्रदान करता है, साथ ही अस्थि को सहायता। मेरे कहने का मतलब जो पेशी ऊतक होता है ना, ये बेचारा अस्थि के साथ मिल जाता है, क्या मिल जाता है, अस्थि के साथ। मैंने आपको बताया अस्थि और उपास्थि, अस्थियों को अस्थि, अगर अस्थि अस्थि अगर जुड़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे बताओ, क्या बोलेंगे अगर अस्थियों को अस्थि जोड़ेंगे तो, हाँ। और अस्थि और उपास्थि को भी मैंने बताया था आपको, बताओ भाई। अस्थि अगर मान लो एक अस्थि यहां पर है सपोज करो, और एक अस्थि इधर है, अगर अस्थि को अस्थि से जोड़ रहे तो उसे क्या कहेंगे बताओ, और अस्थि को उपास्थि अगर जोड़ रही है अस्थि को उपास्थि जोड़े तो उसे क्या बोलेंगे बताओ, मैंने बताया था या नहीं बताया था, ध्यान है, काट रहा और ये स्नायु, स्नायु इसे पढ़ा था आपने, और ये क्या है काट रही है ना, हाँ काट रहा है कंडरा की बात है, ठीक है। ये कई कई जगह काट रहा है, कहीं कंडरा है, कहीं किंडरा भी है, तो अस्थि को उपास्थि से जोड़ रहे हैं, ठीक है, और अस्थि को अस्थि से जोड़ रहे हैं उसको स्नायु। तो पेशी ऊतक का कार्य सबसे पहले क्या है, जब ये संकुचन है तो संकुचन का मतलब क्या है, सिकुड़ना, और संकुचन क्या करता है, संकुचन की वजह से पेशी ऊतक क्या काम करता है बताओ, वजह से किसके साथ, संकुचन की वजह से क्या करता है बताओ, देखो संकुचन की वजह से ये एक काम करता है साथ में, अभी आपने ये लिखा था कि जो इससे पहले आपने जब पेशी ऊतक लिखा था, पेशी ऊतक से पहले आपने कंकाल ऊतक पढ़ा था, तो पेश उसमें जो अस्थि काम कर रही थी वो क्या कर रही थी, अस्थियों का क्या काम था, अरे अभी पढ़ाया ना मैंने आपको अस्थि, अस्थियों का क्या काम था, अरे बनावट देना, तो ये बनावट के साथ संकुचन की वजह से अस्थि को बनावट के साथ, बनावट के साथ क्या करती है, ये गति प्रदान करती है, क्या करती है, कौन पेशी तक गति प्रदान करता है, गति प्रदान करता है। तो सबसे पहला संकुचन की वजह से गति देने का काम किसका है, अंगों को, पेशी ऊतक का, लेकिन ये साथ में देता है किसके साथ, अस्थि ऊतक के साथ, और अस्थि का मतलब क्या है, कंकाल, ठीक। दूसरा हृदय स्पंदन रक्त व लसिका के प्रवाह में उत्सर्जी पदार्थों में पदार्थों के संवहन में सहायता प्रदान करता है। तो हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन किसको कहते हैं, हृदय स्पंदन बताओ, अरे स्पंदन किसको बोलते हैं, और लसिका को, और किसको, लसिका के बाद आता है उत्सर्जी पदार्थों, लसिका प्रवाह वे उत्सर्जी पदार्थों को, उत्सर्जी पदार्थों को क्या करता है बताओ, क्या प्रदान करता है, संवहन प्रदान करता है, संवहन प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद पेशी कोशिकाएं अति क्रियाशील होती हैं, शरीर के कुल ताप का अधिकांश इनकी क्रियाशीलता के कारण ही उत्पन्न होता है, इन पेशियों के संकुचन आदि से शरीर का टेम्परेचर संतुलित बना रहता है। तो तीसरा काम क्या होगा इनका बताओ,
टेम्परेचर को क्या करती हैं? टेम्परेचर मतलब तापमान को क्या करती हैं? कंट्रोल, कंट्रोल करती हैं, कंट्रोल करती हैं। क्योंकि आपने देखी होंगी, एक बहुत होती है तेज काम करने वाली, एक होती है धीमा करने वाली। तो ये क्या है, इसकी अतिक्रियाशीलता ज्यादा होती है। अतिक्रियाशीलता, अतिक्रियाशीलता का मतलब बहुत जल्दी काम करने की स्पीड के कारण ही, मतलब अतिक्रियाशीलता के कारण, अतिक्रियाशीलता के कारण क्या काम करती है, टेम्परेचर को संतुलित करती है। कारण ही टेम्परेचर को क्या करती है, कंट्रोल करती है। ऊपर भी लिख दिया, वैसे नीचे भी लिख देता हूं दोबारा ना। तो आप ये नोट कर सकते हैं यहां तक। उसके बाद आपको याद रखना है, पेशी जो ऊतक होता है वो दो तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? रेखित पेशी ऊतक, ए रेखित पेशी ऊतक और हृदय पेशी ऊतक। ठीक है, हृदय। तो देखो, सबसे पहले जो पेशी ऊतक होता है तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? पेशी ऊतक कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का, तीन प्रकार का होता है। पहला क्या है बताओ? पहला है रेखित, रेखित पेशी ऊतक। और दूसरा क्या है? ए रेखित पेशी ऊतक। और तीसरा क्या है? हृदय पेशी ऊतक। कितने टाइप हो गए? तीन टाइप। पहला क्या है? रेखित पेशी ऊतक। और दूसरा क्या है? अरेखित पेशी ऊतक। तीन हो गए। आप इन तीनों को क्या कर सकते हैं, यहां तक नोट कर सकते हैं। पहला रेखित पेशी ऊतक, दूसरा क्या है? अरेखित पेशी ऊतक। और तीसरा क्या है? अरेखित सॉरी हृदय पेशी ऊतक। तीन टाइप हो गए। तो इन तीनों टाइपों को आप, कल हम डिटेल से इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इनको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, और इनको आपको सबको याद करना है। तो हमने आज संयोजी ऊतक के अंदर कंकाल ऊतक पढ़ा, और पेशी ऊतक के अंदर हमने ये भी पढ़ा कि शरीर का कितना परसेंट भाग पेशी ऊतक में काम आता है। पेशी ऊतक करता है मतलब 40-50% भाग पेशी ऊतक से बना होता है। ठीक है, तो पेशी आंतरिक संरचना द्रव और केंद्रक अंदर की साइड में, सार्कोप्लाज्मा और सार्कोमेयर का काम करती है। पेशी ऊतक के कार्य क्या है? संकुचन की वजह से, मतलब कि आप एक बात याद सुनो मेरी बात ध्यान से, अस्थि और उपास्थि से बना होता है कंकाल, और अस्थि और उपास्थि क्या करती है, सिर्फ इसको बनावट देती है। किसको? शरीर को। लेकिन गति कौन देता है? मान लो आपका हाथ अगर एक साइड में जोड़ दिया, हाथ को एक भुजा से जोड़ दिया, तो आप बताओ हाथ कटने के बाद आपकी भुजा में भी दर्द होता है। क्यों? क्योंकि लिंक्स हैं सारी पेशी ऊतक। हमारा शरीर कंकाल से बना होता है, हमारा शरीर अस्थियों उपास्थियों से मिलकर बना है, मांसपेशियों हड्डियों से मिलकर बना है। अस्थि का मतलब होता क्या है? वैसे हड्डी ही होता है, छोटी छोटी हड्डियों को हम अस्थि बोलते हैं, बड़ी हो जाती हैं तो हड्डी बोल देते हैं। मतलब छोटा भाग शरीर के, छोटे छोटे भाग हैं टुकड़ों में, उनको हम अस्थि कहते हैं। बड़ा भाग बन के वो हड्डियाँ बन जाती हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे के अंदर अस्थियाँ होती हैं। और आप होती अस्थियाँ ही हो भी, लेकिन आपने देखा होगा कि जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उन अस्थियों का ही विसर्जन किया जाता है। तो आपको उस नाम से पता लगाना है कि अस्थियों का विसर्जन किया जाता है गंगा में। ठीक है, तो अस्थियों का मतलब क्या हो गया? हड्डिया ही हो गया। ठीक, तो पेशी ऊतक के कार्य, फिर पेशी ऊतक के तीन प्रकार हमने ये कल पढ़ने हैं। ठीक है, ये जो पेशी ऊतक के प्रकार हैं। तो आज तक इतना ही। तो
तब तक के लिए धन्यवाद।